जबलपुर के संजीवनी नगर थाना प्रभारी के द्वारा सही समय पर कार्रवाई नहीं करने और अधिकारियों को भी सूचना दान देने पर थाना प्रभारी अंजलि उदेनिया को लाइन अटैच कर दिया गया। गौरतलब है कि जबलपुर संजीवनी नगर में बहदन का रहने वाला अमर सिंह वेल्डिंग की दुकान बंद कर एक्सिस से घर जा रहा था। जैसे ही नहर के पास पहुंचा, उसी दरमियान चार बदमाश रास्ते में रोककर शराब पीने के लिए पैसे की मांग की और चारों ने मिलकर मारपीट कर एक्सिस गाड़ी छीनकर भाग निकले, जिसकी शिकायत करने भेड़ाघाट थाना पहुंचा, जिसका मुलाइजा मेडिकल में कराकर थाना संजीवनी नगर के सुपुर्द किया गया। सही समय पर संजीवनी नगर थाना प्रभारी के द्वारा कार्रवाई नहीं करने और अधिकारियों को भी सूचना न देने पर थाना प्रभारी अंजलि उदेनिया को लाइन अटैच कर दिया गया। इसी प्रकार एक मामला माड़ोताल थाना का है, जिस पर जांच की जा रही है। जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। की दरमियानी रात एक आवेदक अपने एक्सेस स्कूटी से जा रहा था, तो चार लोग उसको रोक कर पैसा मांगते हैं और उसकी स्कूटी एक्सेस जो थी उसको छुड़ा ले गए। इसमें थाना प्रभारी भेड़ाघाट मौके पे पहुंचती है और उसका मेडिकल भी कराती है। उनको लगता है कि ये क्षेत्र संजीवनी नगर थाना इलाका का है, तो वो संजीवनी नगर थाने के सुपुर्द कर देती है। ये खुद भी उसमें वैधानिक कार्रवाई नहीं करती है और संजीवनी नगर भी सही धाराओं के तहत उसमें वैधानिक कार्रवाई नहीं किया और उसमें देरी की और ना किसी वरिष्ठ अधिकारियों को इन दोनों थाना प्रभारियों ने सूचना दी। तो इसमें प्रभारी पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना प्रभारी संजीवनी नगर को लाइन अटैच कर दिया गया है और इसमें थाना प्रभारी भेड़ाघाट संजीवनी नगर और एक इसी तरह की घटना मढ़ोताल में भी हुई थी, उन्होंने भी कंट्रोल रूम या वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना नहीं दी। इन सभी मामलों की एक प्राथमिक जाँच कराई जा रही है और जाँच के बाद इसमें अग्रिम विभागीय कार्रवाई